मॉडल करते हैं, मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो ये मिलर साहब थे ना, इन्होंने ऐसे समझाया, कहता भाई देखो जब हम कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो जैसे ये है, सपोज यहां पे ले लिया टाइम, ठीक, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, या जीरो ले लो, जीरो से थोड़ी शुरू होता, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते 30 तारीख तक, ठीक है, राइट। कहते हर ऑर्गेनाइजेशन को ना तीन लेवल्स डिफाइन करना चाहिए। एक लेवल कहलाएगा अपर लिमिट, अपर लिमिट। एक लेवल कहलाएगा लोअर लिमिट। और एक लेवल कहलाएगा रिटर्न पॉइंट, ठीक है, राइट। थोड़ी देर के लिए हम लोअर लिमिट ले लेते हैं 5,000, रिटर्न पॉइंट ले लेते हैं 10,000, और अपर लिमिट ले लेते हैं 11,000, ओ 15,000 ले लेते, चलेगा। अब वो ये कहता है, जैसे अभी हमने तीन लाइनें खींच ली, ये तो कौन सी हो गई, अपर लिमिट। ये कौन सी हो गई, लोअर, ठीक है। अब कहते हैं डेली बेस पे ना अपना बैलेंस प्लॉट करते रहो। जैसे एक तारीख को आपके पास 10,000 रुपए, दो तारीख के आपके पैसे ज्यादा खर्च हुए तो बैलेंस गिर गया, तीन तारीख को बैलेंस और गिर गया, चार को बढ़ गया, नहीं समझे, बुरा तो बैलेंस इन हैंड, बैलेंस इन हैंड क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, नहीं समझे। जैसे आपके पास एक तारीख को 10,000 थे, दो तारीख को आपके पास 15,000 आए, कितने हो गए, 10 और 15, 25, खर्च हो गए आपके लगभग 17,000, तो कितना बच गया, 8,000, तो ये 8,000 बन गए, नहीं समझ आया। अब तीन तारीख को क्या हुआ, आपके पास 12 आए, 8 और 12, 20, अब खर्च आपके हो गए 13, तो बैलेंस क्या हो गया, 7, ये 7, नहीं समझ आया। चार तारीख को आपके पास 13,000 आए, टोटल कितने हो गए, 20, खर्च हो गया आपका 12, कितना हो गया, 8, तो बैलेंस बन गया, नहीं समझ आया। तो ऐसे बैलेंस बन सकता है ना, तो कहता है ऐसे प्लॉट करते रहो, जैसे ये मैं दो चार प्लॉट कर रहा हूँ, ऐसे बनता रहेगा, कुछ बढ़ेगा, कभी ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा, कभी गिरेगा। कहते जैसे ही अब यहाँ लोअर को काट जाओ, सपोज यहाँ काट गया, रिपीट, तो जैसे ही काट जाओ, तो फिर आपने काट जाओ या टच करो, तो फिर आपने इतना पैसा लेके आना है ताकि आप रिटर्न पॉइंट पे पहुंचो। जैसे मान लो आपका ये लेवल जो आ गया, वो आ गया -4,000 रुपये, कितना आ गया, फिर आपको इमीडिएटली 6,000 रुपये लाने हैं ताकि बैलेंस क्या हो जाए, 10, नहीं समझ आई बात, रिटर्न पॉइंट, तो नाम से भी क्लियर हो गया ना, यानी लोअर लिमिट टच होते ही इनफ्लो ऑफ कैश होना चाहिए टू द एक्सटेंट कि यू टच व्हाट, रिटर्न पॉइंट। अब ये कैश कैसे अरेंज कर सकते हो, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो आपने ले रखी, या टेकिंग ऑफ बैंक लोन, जो भी आपका, तो यू हैव टू रीच टू द रिटर्न पॉइंट। इसी तरह कहता है अगर मान लो जैसे रिटर्न पॉइंट पे आ गए आप, तो एकदम झटके से आ गए रिटर्न पॉइंट, वापस यहाँ आ गए, फिर आपका कैश हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, कहते हैं यहाँ चला गया ना, मान लो ये 12,000 है, कितना है, तो कहता है 12 नहीं, 12 थोड़ी हो सकता, 15 के ऊपर होता है 12, 17 मानो, ध्यान नहीं दे रहे, ये 17 मानेंगे, 15 से ऊपर क्या हो सकता है, 17। कह रहे जैसे ही 17 टच किया, मतलब यानी अपर लिमिट अगर आपने टच कर दी या क्रॉस कर, तो आप इतना पैसा पंप आउट कर दो, रिपीट, ताकि आप कहां पहुंच जाओ, रिटर्न पर, यानी 17 टच किया ना, तो 7,000 रुपए की आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या अगर आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो लोन रिपे कर, यानी पंप इन पंप आउट की बात कर रहा है। कहता लोअर लिमिट टच हो या क्रॉस हो, तो इतना पैसा पंप इन करो कि रिटर्न पॉइंट पे आ जाओ, अपर लिमिट क्रॉस हो या टच हो, तो इतना पैसा पंप आउट करो कि रिटर्न पॉइंट पे आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि आप एक रेंज के अंदर ही कैश इन हैंड रखेंगे, उससे जो कम पड़ता है तो आप अरेंज कर लेंगे,
ज्यादा होगा तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपके पैसा जो है आइडल नहीं रहेगा और शॉर्टेज भी नहीं होगी। रिपीट, आइडल कब होता है? जब कैश इन हैंड ज्यादा, तो अपर लिमिट से ऊपर हो तो कहता है फट से इन्वेस्ट कर, तो आइडल नहीं रहेगा। और शॉर्ट कब होता है? जब पैसे कम हो जाए, तो कहता है लोअर लिमिट टच करे तो पंपिंग कर दो पैसे। इससे क्या होगा? आपका बिजनेस फर्स्ट क्लास चलता रहेगा और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, मन आपका खुश रहेगा। बताइए कैसा लगा है? ठीक अमित, कुछ पूछना चाहो बेटा? पूछ रहे बेटा, आप तो शर्मा रहे। क्लियर? पक्का क्लियर है ना? अभी भी मतलब फॉलो करता है। हाँ, ये तो कैश पेमेंट तो बड़ा पॉपुलर है, हम भी ऐसे ही करते हैं। तुझे लग रहा है अगर मैं तुमसे फीस लेता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो मैं अपने मैनेजर को दे देता हूँ या बैंक में जमा करा दे, पैसे कम हो रहे तो फोन करके कहते हो निकाल के मैडम को दे दियो, जैसे मैं पीतमपुरा नहीं गया तो उसको बोल दो मैडम को दे दियो। तो कैश पेमेंट तुम करते हैं, कोई भी करता है। ये होता है कि हम इतने साइंटिफिकली नहीं कर ले जितना हम समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है ना, जहाँ पे ओनर का कंट्रोल ज्यादा होता है, यानी पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हो रही, तो वो रूल ऑफ थंब से चलती है। एक्चुअली क्या होता है, जब स्टाफ से काम करवाना हो तो रूल ऑफ थंब काम नहीं करता ना। स्टाफ से कहोगे देख लीजिए पैसे कम पड़े तो निकाल लियो, तो उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। उसको तो आपको टू द पॉइंट बोलना है, देख भैया 5 क्रॉस करे ना तो उतने पैसे दिए होगी ताकि बैलेंस क्या हो जाए 10, और अगर 15 क्रॉस कर जाए तो इतने पैसे जमा कराइए बैंक में कि बैलेंस है, जितने 10 से ऊपर हो जमा करा दिए। उसको ऐसे समझाओ, तो फिर आपका जो मैनेजर होगा वो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। उसको आप ये कहते हो ना जब कम ज्यादा तो समझ नहीं पाएगा। कैसा लगा? वहां पे स्पेसिफिक बात करते हैं, मजा आया कि नहीं आया? कैसा लगा? ठीक है, तो कोई डाउट? देख लो पूछना। तो ये मेरी बुक में इसकी थियोरी दी हुई है, मेरी बुक में है ये क्वेश्चन, पेज नंबर 3 पर है, कैश बजट के मैनेजमेंट ऑफ कैश, मिलर और मॉडल, दिख गया थ्योरी में? तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए थ्योरी का, तो आप ये डायग्राम भी बना देना, रिपीट, और इसमें ना डेट डाल देना, बड़ा अच्छा लगेगा। एग्जामिनर तो ऐसे नाचना शुरू कर देगा, भक्त हो जाएगा आपका, ये बच्चा थोड़ी है मेरा बाप है। जैसे ये डेट ले लेना, इसको दे देना, मान लो जैसे आप डेट लिखो ही मत ना एंड वाली, मतलब चलता रहेगा। क्यों? इस पर लिख दो 18 तारीख, कह देना, तो इसको समझा देना, इन द एग्जाम्पल ऑन 18th आवर कैश बैलेंस बिकेम 4000 एंड इट क्रॉस्ड लोअर लिमिट। सुन रहे हो ना? सो वी विल ब्रिंग इन 10,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 6,000 टू ब्रिंग अवर कैश बैलेंस टू रिटर्न। तो इसी तरह इसको एग्जाम्पल में डेट नीचे डेट लिख देना, कोई कौन सी डेट ठीक रहेगी? 25। कहते हैं सिमिलरली ऑन 25th अवर कैश बैलेंस रीच्ड 17,000 देयर बाय क्रॉसिंग द अपर लिमिट। सो वी विल टेक आउट 17,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 7,000 एंड इन्वेस्ट द सेम इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज सो दैट बैलेंस इन हैंड रीचेज रिटर्न पॉइंट। इतना आपने बना के डायग्राम उसको समझा दिया, वो तो गदगद ही हो जाए। क्लियर? और बोलूं काफी है? हाँ जी काजल, पक्का?